हरियाणा में सियासत चरम पर है, चुनावी मौसम है तो एक दूसरे पर बयानबाजी भी जमकर देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर बयान देते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं की ये अच्छी पहल है और लोकतंत्र में जनता के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक बार एसोसिएशन में वकीलों के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोगों का आरक्षण धीरे धीरे खत्म कर दिया है। 2024 में विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस की सरकार होगी। नहीं, जो गठबंधन हुआ, जो बात हुई है, अपोजिशन जो हुई है, वो एक अच्छी शुरुआत है और प्रजातंत्र के हित में है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों मजबूत होंगे तो प्रजातंत्र भी मजबूत होगा। वही राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी पर जुबानी हमला किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कानपुर की ठग्गू के लड्डू की दुकान का उदाहरण देते हुए कहा कि इस दुकान की हरियाणा में फ्रेंचाइजी जेजेपी के पास है। वही भारत जोड़ो यात्रा पर भी अपनी बात कही। राजस्थान में जेजेपी द्वारा चुनाव लड़ने की कवायद के सवाल पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने जमकर चुटकी ली। जेजेपी का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है और अब राजस्थान में वो, मैं समझता हूँ कि जब राजस्थान जाए जेजेपी का नहीं पता, वो तमिलनाडु में भी इलेक्शन लड़ने जा सकेंगे। क्योंकि 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 जो है ये थे कि बीजेपी को करेंगे जमुना पार, ये वो थे कि बीजेपी को करेंगे जमुना पार, फिर बन गए बीजेपी के यार, हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। ये वो लोग हैं, ये जेजेपी पार्टी को लोग एक विश्वासघात की प्रतीक राजनीतिक पार्टी मानने का काम करेंगे। इस पार्टी ने पहले अपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया, कह के कि बीजेपी को करो जमुना पार, फिर समझौता कर लिया। फिर इस पार्टी ने हर वर्ग के साथ, किसान आंदोलन आया तो किसान के साथ 5100 बुढ़ापा पेंशन का कहा कि समझौता हुआ, बड़े बुजुर्गों के साथ, खिलाड़ी आंदोलन आया खिलाड़ियों के साथ, संदीप सिंह वाला जो मामला हुआ और जो हमारी बेटियों का मामला हुआ, तो महिलाओं के साथ, कोई ऐसा वर्ग नहीं। कानपुर में एक दुकान है जिसका नाम है ठग्गू के लड्डू, बहुत फेमस है ठग्गू के लड्डू, और उसकी टैग लाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये जेजेपी ठग्गू के लड्डू की फ्रेंचाइज हरियाणा में लेके आई है, इन्हें सबने सबको ठगने का काम किया, लेकिन लोग इस विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से समय पे देंगे। साथ ही G20 की भारत को मिली मेजबानी पर दीपेंद्र हुड्डा ने खुशी जताते हुए कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश को मेजबानी मिली है और ये हमारे लिए गौरव की बात है। G20 ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है कि G20 की मेजबानी भारत वर्ष कर रहा है और भारत दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में इस सदी में उभरे और उभर रहा निरंतर। हमारी, मैं समझता हूँ कि सबकी यही एक बहुत, हम सब का यही एक बहुत बड़ा, हमें बहुत सेटिस्फेक्शन है और बड़ी खुशी की बात है, हमें गर्व है इस बात पे। बहरहाल प्रदेश ही नहीं देश में भी सियासत गर्म है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष जनसंपर्क में लगे हुए हैं। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज और झज्जर से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।